चालबाज लोग धोखाधड़ी और फ्रॉड करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। पहले तो कागजों और दस्तावेजों में ही फ्रॉड किया करते थे, लेकिन देश प्रदेश में जब से मोदी योगी की सरकार आई है, ऐसे चार बड़ों पर अंकुश लग गया। जब से चालबाजों ने अपने फ्रॉड करने के तरीके को हाईटेक करते हुए सोशल मीडिया का सहारा लिया है, ताकि वह जल्द ही सरकार और कानून की नजर में ना आ सके, सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे मैसेज आते हैं कि लोग उनके चुंगुल में फंस जाते हैं और फिर शुरू होता है फ्रॉड का खेल। ऐसा ही एक फ्रॉड जब सामने आया, जब अत्यति टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत अनूप कुमार त्रिवेदी व अन्य कर्मचारियों ने मुरादाबाद मंडल आयुक्त को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें कहा गया कि उनकी कंपनी द्वारा उनके साथ दस्तावेजों में फ्रॉड किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग काम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे सैलरी स्लिप पर बंगाल का पता होता है। कई बार आवाज उठाने पर उनको कंपनी से निकलने की धमकी दे दी जाती है, इसलिए उन्होंने कमिश्नर मुरादाबाद को ये शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पूछने पर पीड़ित अनूप कुमार त्रिवेदी ने बताया कि वह किस प्रकार इस सोशल मीडिया पर कंपनी द्वारा किए गए फ्रॉड का निशाना बन गए। मेरा नाम अनूप कुमार त्रिवेदी है, अत्यधि टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैं वर्क करता हूँ। एरिया मैनेजर की पोस्ट में मैं काम करता हूँ। मेरे अंडर में चार डिस्ट्रिक्ट हैं, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, संभल। ये कंपनी FI प्लस MFI दोनों चलाती है और ये हमारे जो है महिलाओं को समूह लोन वितरण करती है। कंपनी का पे स्लिप आता है, कंपनी के पे स्लिप पर वेस्ट बंगाल और लोकेशन पर ज्वाइनिंग लोकेशन पर बंगलौर लिख के आता है। इसकी आवाज़ मैंने जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जैन सर हैं उनसे मैंने एक बार पूछा, उन्होंने मुझे फटकार लगा के मेरा फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने दोबारा आवाज़ प्रीति मैम से उठाई थी और जो हमारी कंपनी में एचआर हेड हैं उन्होंने भी मना कर दिया कि अपना काम करिए, अगर नहीं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप नौकरी छोड़ के जा सकते हैं। जब वो यहाँ पे एक बार 17 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, उसमें हम सब लोगों ने आवाज़ उठाई, उसमें प्रीति मैम ने मुझे सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद जो लड़कों जो हमारे एम्प्लाई हैं कंपनी के, दो अत्यधि टेक्नोलॉजी में 220 एम्प्लाई हैं जिनकी लोकेशन वेस्ट बंगाल आती है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं लगता है कि पूरे प्रदेश में यूपी से कोई रजिस्टर्ड हो। हर एक एम्प्लाई के आगे वेस्ट बंगाल या फिर बंगलौर लिखा आता है, और मुझे लगता है कि कंपनी हमारे उत्तर प्रदेश के टैक्स को भी चोरी कर रही है। क्या कार्रवाई मैंने कमिश्नर ऑफिस में इसकी लिखित एप्लीकेशन दी है। मैं चाहता हूं कि उचित अधिकारियों से इसकी जांच कराई जाए, जो कंपनी के हित में या हमारे हित में जो भी सही हो, एम्प्लॉय के हित में जो भी अच्छा हो, उचित कार्रवाई करी जाए। उन्होंने ज्ञापन दिया, कभी सरकार ने क्या किया उसका इफेक्ट पड़ा है।